अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी बुक वन का लास्ट जो चैप्टर था वो ख़त्म हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने उसकी रीडिंग की थी, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलें, हमारे पास जो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ जर्नी इन हिज ड्रीम डिड द ऑथर हियर द थ्रोबिंग साउंड ऑफ विंग्स। तो अपने सफ़र के किस जगह पर उसने जो है वो परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी थी? While he was going up, the last he saw of London was a long line of electric lamps along the embankment। ये हमने कल पढ़ा भी था ना चैप्टर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि लेटर नथिंग रिमेन्ड but a faint luminosity buried
जी डियर स्टूडेंट्स, वी आर सॉरी, एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को आवाज़ जो है वो सही आप पहुंच रही होगी। अभी तक हम इस चैप्टर के तीन जो क्वेश्चंस हैं वो कर चुके हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर फोर करने जा रहे हैं और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट डाउन द गुड डीड्स द ऑथर हैज़ एडमिटेड आर अ ग्रेट जॉय ऑन क्रिसमस। वो उन नेक अमाल के बारे में बताएं जिसके बारे में मुसन्निफ़ ने तस्लीम किया कि वाकई वो क्रिसमस के मौका पर बड़ी खुशी का बायस बनते हैं। अबाउट क्रिसमस, एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग गुड डीड्स, they all become generous, even the author himself feels like to get a collecting box and start doing good by himself. Yeah, chale start doing good. He says that the very first number of Christmas and beautiful pictures of a young girl and squire start him off. About Christmas, everyone starts doing good deeds. They all become generous. Even the author himself feels like to get a collecting box and start doing good. उसका भी दिल चाहता है कि वो चंदे का डब्बा उठाए और खुद जो है वो नेक काम करने लग जाए. He says that the very first number of Christmas and beautiful pictures of a young girl and squire start him off. तो ये वो नेक काम हैं जो क्रिसमस के मौके पर बड़ी खुशी का बायस बनते हैं. Why are the अगला सवाल, why are the noble deeds always a great joy for the author? ये तकरीबन ये ना तीसरा चौथा पांचवा एक ही तरह के ये सारे क्वेश्चन हैं. Good deeds are always a great for the author because they provide inner satisfaction and happiness. People tend to help the poor and the needy. नेक काम उसलिए उसे खुशी पहुंचाते हैं क्योंकि इससे उसे ज़हनी या रूहानी अत्मीनान और खुशी मिलती है और लोग जो हैं वो भी उनकी तवज्जो भी मरकूज हो जाती है कि वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, तो इसलिए उसे जो है वो खुशी होती है. लो बच्चों, ये हमारा चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए. उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपने खूब इंजॉय किया होगा. अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.
नहीं तो आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, और कल से इंशाल्लाह जो हम बुक 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्या आप में से कोई मुझे अभी रिमाइंड करवा सकता है कि बुक 3 में हमने कितनी पोइम्स जो हैं वो पढ़ ली थी? क्या हमने 10 पोइम्स की थी या 8 पोइम्स की थी? आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप लोग मुझे अभी याद करवा सकते हैं, रिमाइंड करवा सकते हैं। कमेंट्स अच्छा जी, फातिमा ने रिमाइंड करवा दिया, थैंक यू सो मच। बच्चों 10 पॉइंट्स हम कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह कल हम जो पॉइंट नंबर 11 है वो पढ़ेंगे। जी जमशेद कह रहे हैं आई हैव अ रिक्वेस्ट। जी बेटा बोलें। और एक प्ले भी हो गया, जी हाँ एक प्ले तो हमारा हो चुका। हाँ आई रिमेम्बर। जरा ऊपर जरा ये कमेंट, वो एक थोड़ा सा कमेंट जरा ऊपर करिएगा। यार ये कमेंट जरा काइंडली थोड़ा ऊपर कर दें, ये वाला तो जिस चैप्टर की ट्रांसलेशन क्यों उससे आवाज़ नहीं आ रही थी, शॉर्ट ट्रांसलेशन। अच्छा बिनता कह रहे हैं कि इस चैप्टर की जो है वो ट्रांसलेशन करवा दें शॉर्ट से, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी। ठीक है, कल फिर मैं आके पहले थोड़ा इसके बारे में कुछ बता दूंगा। और थोड़ा सा ऊपर करें जी, कोई एक और क्वेश्चन आना चाहिए था। चलें ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।